हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, अर्थात जनता अपनी पसंद के चुने हुए नेता से सरकार चलाती है। विविधता का अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे विभिन्न धर्म हो, चाहे विभिन्न जातियां हो, चाहे विभिन्न भाषाएं हो, चाहे विभिन्न पहरावे हों। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वो अपने अपने धर्मों के त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं भी हैं, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयाली और बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं। लोग विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से पहरावा पहनते हैं, है ना, कितनी सारी विभिन्नता। फिर भी हमारे देश में एकता है, हम सब भारतवासी हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में कौन कौन सी विविधताएं होती हैं और लोकतंत्र उन विविधताओं से कैसे निपटता है। यही हमारा आज का पाठ है, लोकतंत्र और विविधता। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह भाषाओं या क्षेत्रीय विविधताओं के कारण सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है और कई बार तो धर्म, लिंग, वर्ग, शारीरिक बनावट, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी हम अपने संबंधों को परिभाषित करते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमें यही सब जानना है कि इतनी सारी सामाजिक, धार्मिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सबको साथ में लेकर चलना उनका सर्वमान्य, सर्वमान्य मतलब जो सबको मान्य हो, मंजूर हो, समाधान देने की कोशिश करना, यही लोकतंत्र कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को
प्रभावित करती है। बच्चों, यहाँ पर हम आपको मैक्सिको ओलंपिक की एक कहानी सुनाना चाहते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस तरह कार्लोस और स्मिथ ने नस्ल आधारित भेदभाव के विरोध में आंदोलन का साथ दिया। क्या हम में भी किसी सामाजिक बुराई के विरोध में बोलने का साहस है? चलो शुरू करता हूँ। बात बोले भेद खोले। बच्चों, अफ्रो अमरीकी, अश्वेत अमरीकी, अश्वेत मतलब जो श्वेत ना हो, जो सफेद ना हो, मतलब गोरे ना हो, तो यह शब्द अश्वेत या अश्वेत अफ्रीकी या एफ्रो अमेरिकन उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। उनसे बहुत भेदभाव किया जाता था। तब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला, जो कि सन 1954 से लेकर 1968 तक चलता रहा। इस आंदोलन का उद्देश्य था एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में यह आंदोलन अहिंसापूर्ण था। उन्होंने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो बाद में सफल भी हुई। उसके बाद एक और आंदोलन हुआ जिसका नाम था अश्वेत शक्ति आंदोलन, जो कि 1966 में खुलकर सामने आया और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया हिंसक था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। बच्चों, हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, हिंसा और अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है शांतिपूर्वक और हिंसा का मतलब है मारपीट करना। चलिए शुरू करता हूँ मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। बच्चों, यह उस समय की बात है जब 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ का पदक समारोह चल रहा था। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। तभी दो खिलाड़ी सिर झुकाए और मुट्ठी ताने खड़े थे। बच्चों, यह दोनों खिलाड़ी हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये एफ्रो अमेरिकी थे। टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक और जॉन कार्लोस ने कांस्य पदक जीता था। इस समारोह में उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे पहनकर वे पुरस्कार लेने आए थे। बच्चों, यह भी एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था। वो जताना चाहते थे कि
अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है, और कार्लोस ने अपने गले में काले मनकों की माला पहनी थी जो कि मारे गए अश्वेत लोगों की याद में थी। अपने इस तरह के आंदोलन से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान अमेरिका में होने वाले रंग भेद की तरफ खींचने की कोशिश की। उन दोनों के हाथों में काले दस्ताने और उनकी बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत लोगों की शक्ति का प्रतीक थी। और इसी समारोह में ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमरीकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। बच्चों, अब प्रश्न यह उठता है कि अपने ही देश अमेरिका के समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके इस काम को राजनीति का नाम देंगे? पीटर नॉर्मन ना तो अमरीकी थे और ना ही अश्वेत, वो क्यों इस विरोध में शामिल हुए? बच्चों, क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? इन प्रश्नों पर जरूर विचार करना। हाँ तो बच्चों, उनके ऐसा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा ऐसा करने को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार किया और उनसे पदक वापिस ले लिए। सिर्फ यही नहीं, उनका समर्थन करने वाले नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। मगर इन सब बातों से दुनिया का ध्यान नागरिक अधिकार आंदोलन की तरफ गया। बच्चों, हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पर इन दोनों ने अपनी पढ़ाई की थी, ने इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के अंदर उनकी मूर्ति लगवाई। सन 2006 में जब नॉर्मन की मौत हुई थी तो उनकी अर्थी को कंधा स्मिथ और कार्लोस ने भी दिया था। बच्चों, सन 2001 में डरबन में संयुक्त राष्ट्र का नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, जिसमें कुछ दलित समूहों ने हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि इस सम्मेलन की कार्य सूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये तीन प्रतिक्रियाएं सामने आई। पहली प्रतिक्रिया, जो कि अमनदीप कौर की थी, जो कि एक सरकारी अधिकारी थी, उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है और अगर कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है।
हमारे प्रशासन को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के मैं खिलाफ हूँ। दूसरी प्रतिक्रिया थी ओएनएम की, जो कि एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा, जातिगत भेद और नस्ल भेद एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है। जाति का आधार सामाजिक है, जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। इसलिए इन्हें समान नहीं मानना चाहिए। और मैं नस्लवाद विरोधी आंदोलन में जातिगत मुद्दे को उठाने के खिलाफ हूँ। तीसरी प्रतिक्रिया थी एक दलित कार्यकर्ता अशोक की। उन्होंने कहा कि किसी भी भेदभाव वाले मुद्दे को आंतरिक मामला कहना सही नहीं है। इसका मतलब हम दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना चाहते हैं। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, काफी हद तक ये भी सामाजिक और वैधानिक वर्गीकरण है। इसलिए इस सम्मेलन में जाति भेद का मसला भी जरूर उठाना चाहिए। अब बच्चों, जातिगत भेदभाव और नस्ल भेद, ये दो मुद्दे आपके सामने हैं और तीन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने हैं। आप किसकी प्रतिक्रिया को सही मानते हैं, इस पर विचार करें और कारण भी बताएं क्यों। आप अपने विचार अपने अध्यापक अपने सहपाठियों से साझा कर सकते हैं। बच्चों, अब अगला विषय हमारे सामने आता है, समानताएं, असमानताएं और विभाजन। अभी आपको जो तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई, आपने देखा कि खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। सोचने वाला प्रश्न है कि ऐसा भेदभाव क्या सिर्फ नस्ल या रंग भेद के आधार पर ही होता है? बच्चों, पिछले दो अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया था। हमारे देश में अलग तरह की विभिन्नताएं हैं। बेल्जियम और श्रीलंका में क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर ही विभाजन मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और श्रीलंका में भी यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस तरह हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। कई बार कुछ बातों में हम दूसरे देशों से भी मेल खाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे देश के पंजाब प्रदेश के लोगों का खाना पीना और पहरावा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से मिलता जुलता है। तो इस मेल को क्या हम राष्ट्र विरोधी मेल कहेंगे? बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कब हुई? बच्चों, अक्सर देखने में आता है कि सामाजिक विभाजन ज्यादातर जन्म पर आधारित होता है। आपने जिस घर में जन्म लिया, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, तो वो बदलना या कुछ और चुनना तुम्हारे वश में नहीं होता।
जहां पर हमारा जन्म हुआ होता है, हम उस समुदाय के ही सदस्य बन जाते हैं। अक्सर हम अपने आसपास रोज ही देखते हैं, बच्चे ने हिंदू के घर में जन्म लिया तो वो हिंदू माना जाने लगा, सिख के घर में तो सिख, इसी तरह से मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कुछ लोगों का कद लंबा होता है, कुछ का छोटा, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले, सबकी चमड़ी का रंग भी अलग अलग होता है, सबकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर ही आधारित नहीं होते। जैसे हमने क्षमता अक्षमता की बात की, आप कोई काम कर सकते हो, आपका ही भाई वो काम नहीं कर सकता। दो भाई बहन भी क्षमताओं में अलग अलग हो सकते हैं। सबकी अपनी पसंद नापसंद भी होती है, उसी हिसाब से वो चुनाव करते हैं, नौकरी का, खेल का, पढ़ाई में विषयों का। कुछ लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते और कुछ लोग बहुत से लोगों से मेल मिलाप रखते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव करते हैं। तो ये विविधता जन्म पर आधारित ना होकर पसंद पर या क्षमता पर भी आधारित होती है। वैसे ऐसे उदाहरण कम हैं, पर हैं कि कभी कभी बड़े होने पर कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। तो वो उसकी पसंद थी कि कहाँ जाकर उसको अच्छा लगता है। बच्चों, अगर मैं आपको एक ऐसा कार्टून चित्र दिखाऊं जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में एक कुल्हाड़ा है, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र को देखकर हर व्यक्ति का अपना नजरिया होगा, भिन्न भिन्न, कोई उसका कोई मतलब निकालेगा और कोई कोई मतलब। आप भी ऐसा करके देखो, आप इस चित्र के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। जिसने यह कार्टून चित्र बनाया है वो क्या दर्शाना चाहता है? अपने अलग अलग मित्रों से पूछो कि वो इसका क्या मतलब निकालते हैं। तो बच्चों, यही आपको विचारों में भी विविधता देखने को मिलेगी। बच्चों, सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। हम यह मानते हैं कि सामाजिक विभिन्नताएं अक्सर लोगों के बीच बंटवारे का एक कारण होती हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। जैसे आपने पहले उदाहरण देखा, कार्लोस और स्मिथ दोनों तो एफ्रो अमेरिकी थे मगर नॉर्मन श्वेत थे, फिर भी उनमें एक समानता थी, वो समानता थी विचारों की। तीनों ही किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ थे और उनमें उस भेदभाव के विरुद्ध खड़े होने की भी हिम्मत थी। बच्चों, आज हमने यह जाना कि विविधता क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है। फिर हमने एफ्रो
अमरीकी लोगों के बारे में चर्चा की। अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का अध्ययन किया। कैसे टोनी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने अमेरिका में हो रहे रंग भेद की तरफ विश्व समुदाय का ध्यान खींचा, यह भी चर्चा की। यह भी समझा कि सामाजिक विभाजनों से बचने का सबसे अच्छा समाधान लोकतंत्र है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस अध्याय का शेष भाग हम भाग दो में करेंगे। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास प्रश्न एक, पीटर नॉर्मन किस देश से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं, एक नीदरलैंड, दो ऑस्ट्रेलिया, तीन उत्तरी आयरलैंड, चार अफ्रीका। सही उत्तर है दो, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न दो, अमेरिका में सामाजिक विभाजन के क्या कारण थे? एक धर्म भेद, दो जाति भेद, तीन श्वेत और अश्वेत भेद, चार लिंग भेद। सही उत्तर है तीन, श्वेत और अश्वेत भेद। प्रश्न तीन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला? ऑप्शंस हैं, एक सन 1968 से 1970 तक, दो सन 1944 से 1954 तक, तीन सन 1954 से 1968 तक, चार सन 1950 से 1960 तक। सही उत्तर है ऑप्शन तीन, सन 1954 से 1968 तक। प्रश्न चार, मिलान करो, बेल्जियम, स्वीडन, समरूप समाज, अनेक समुदाय। उत्तर है बेल्जियम, अनेक समुदाय, स्वीडन, समरूप समाज। प्रश्न पांच, सन 1966 में एक और आंदोलन हुआ था जिसका नाम था, एक स्वतंत्रता आंदोलन, दो नागरिक अधिकार आंदोलन, तीन अश्वेत शक्ति आंदोलन, चार सुरक्षा आंदोलन। सही उत्तर है तीन, अश्वेत शक्ति आंदोलन।